इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ हैदराबाद एक्सप्लोरेशन सीरीज और ये वीडियो गोलकोंडा फोर्ट वो किला जो कि ध्वनि विज्ञान यानी कि अकोस्टिक वंडर के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ कभी ये कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे से भी जुड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन गोलकोंडा फोर्ट गया था तो यहाँ पर काफ़ी सजावट थी। चीफ मिनिस्टर जो है फ्लैग होस्टिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। अब एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं और इसका जो एंट्री गेट है यहाँ पर इसको बोलते हैं बाला हिसार दरवाज़ा। दरवाज़ा काफ़ी खूबसूरत है, इस पर शेर और मोर बने हुए हैं। नीचे बने शेरों पर बहमनी एम्पायर का इम्पैक्ट साफ देखा जा सकता है, वो जैसे कि बीदर फोर्ट में है। एंट्री के बाद यहाँ पर ये जगह है जो कि ने साउंड इको के लिए जानी जाती है। यहाँ पर क्लैप करने पर सीधे पहाड़ी पर बनी 12 घड़ी तक आवाज़ आती है। एक खास वजह है यहाँ का आर्किटेक्चर, दीवारों के बीच की दूरी और साथ ही साथ दीवारों पे जो है बर्तन इस्तेमाल हुए हैं मिट्टी के पॉटरी वाले, जिनमें वो रिफ्लेक्शन होता है साउंड। और यहाँ पर जो है इस किले की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। गोलकोंडा का नाम माना जाता है गुल्ला कोंडा, तेलुगु टर्म है, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है शेफर्ड्स हिल यानी गड़ेरियों की पहाड़ी। और ये जो है 11वीं सदी तक काकतीय वंश वारंगल का जो है उसके पास था और यहाँ पर मिट्टी का किला था। बाद में इस पर बहमनी शासकों का कंट्रोल हुआ और उन्होंने जो है सुल्तान कुली को इसका जो है कंट्रोलर बनाकर भेज दिया। और बाद में जब बहमनी एम्पायर कमज़ोर पड़ा, सुल्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। और गोलकुंडा जो है ट्रेड रूट पर पड़ता था, यहाँ से कोल्लूर माइन पास में था, तो इसका फोर्टिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और इसके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर अकाउस्टिक सिस्टम डेवलप किया गया जो ध्वनि रिफ्लेक्शन वाला है। एक कहानी यहाँ पर आती है भागमती और सुल्तान कुली कुतुब शाह की। भागमती एक डांसर थी और सुल्तान और भागमती को एक दूसरे से प्यार हो गया और जब भागमती रानी बनी तो भागमती का नाम हैदर बेगम हुआ और हैदर बेगम के नाम पर सुल्तान ने मुसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसाया। और 1687 में यहाँ पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया, किले ने अपनी थोड़ी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी और हैदराबाद जो है मुगल साम्राज्य का एक सूबा बनकर रह गया। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये ऊपर की तरफ दीवारों की संरचना जो है काफ़ी कमाल की लग रही है, से पत्थर के ऊपर दीवार बनी हुई है। Thank you.
यहाँ से किले के वो सारे हिस्से दिख रहे हैं जिस तरफ हम नहीं जा पाए, जैसे कि भागमती पैलेस, तारामती मॉस्क और कई सारी और इमारतें हैं। साथ ही साथ वो हम सजावट भी देख सकते हैं जो कि स्वतंत्रता दिवस के लिए की गई है। यहाँ पर ये जो मस्जिद बनी है इसको बोलते हैं दो मीनार। ये शायद इब्राहिम मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर आगे काली मंदिर भी है और इस पे अभी काफी भीड़ है, तो हम आगे जा रहे हैं। और अब जो है हम बारादरी की छत पे हैं। बारादरी इस किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर बनी है और बाला हिसार गेट पर ताली बजाने पर वहां से जो आवाज होती थी ये यहाँ के अकाष्ठ की वजह से इस बारादरी पर भी सुनी जा सकती है। और यहाँ से जो है व्यू अच्छा आ रहा है। यहाँ से सारा व्यू तो आ ही रहा है, साथ में हम किले का वो खंडहर देख सकते हैं जहां पर हम नहीं जा पाए। हम दूसरे रास्ते से उतर रहे थे जिससे हम गए थे उससे ना जाकर, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी मिला। गोलकुंडा फोर्ट कई और हेरिटेज साइट्स के साथ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में है। इंडिपेंडेंस डे की वजह से हम पूरा किला नहीं देख पाए, तो और गेट के पास ये एक स्नानाघर बना है मॉर्ट्री पार्क, और अभी यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है तो मंदिर नहीं जा सकते। तो हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।